अच्छा, मैं बात कर रहा था कि क्या बनाना है आप लोगों को, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी। तो एक बहुत क्विकर वे में आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं आऊँ कहाँ पर, टेलवेंट सीएसएस की लाइब्रेरी में, ठीक है, टेलवेंट सीएसएस में आऊँ और सिंपली क्या करता हूँ, इसकी सीडीएन को डाउनलोड कर देता हूँ। बनाई थी। अच्छा, हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस नहीं यूज कर रहे, हम यहाँ पे मतलब नॉर्मल सीएसएस ही यूज कर रहे हैं। बट यू नो, नॉर्मल सीएसएस पे भी, नॉर्मल मतलब एचटीएमएल सीएसएस पे भी टेलमेंट सीएसएस हम लगा सकते हैं। तो हम उसको देख रहे हैं कि हम किस तरह से ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के, क्योंकि हम इसको होस्ट। अच्छा, ये चीज होती है कि जब होस्ट कर रहे हो ना, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के ही पेज को क्या करता है, आपकी होस्टिंग पकड़ती है, क्योंकि इंडेक्स की फाइल मेन फाइल होती है। तो इस पे हम क्या करते हैं, ओह सॉरी, तो अगर हम अभी इंडेक्स के पेज पे जाएं, मैं इसको क्या करता हूँ इस तरीके से सेपरेट एंड देन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, आई थिंक हाँ, टेलमेंट सीएसएस हमारी वेबसाइट पे आ गया। ठीक है, H1 बोल्ड अंडरलाइन, ठीक है, लगा हुआ हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है टेल ब्लॉक्स, ठीक है, टेल ब्लॉक्स डॉट सीसी करके, आई थिंक इसकी यूआरएल। हाँ, तो ये क्या है, अब यहाँ पे ना ऑलरेडी विजेट्स और जो भी चीज वेबसाइट्स पे यूज होते हैं ना, वो चीज ऑलरेडी मौजूद है। तो क्विकर वे में हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट को बना सकते हैं। अब जैसे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले वेबसाइट पे क्या होता है, हेडर होता है। तो मैं हेडर ढूंढूंगा कि भाई हेडर कहाँ है। तो ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, कंटेंट, देन CTA, ई-कॉमर्स, फीचर, फुटर और गैलरी, ये क्या भाई, हाँ हेडर आ गया। तो हेडर की ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसको हम डार्क मोड और वाइट मोड दोनों में यूज कर सकते हैं। और ये आई थिंक मतलब इसको चेंज करो तो आई थिंक ये जो इसका है ना टेल ब्लॉक्स के लोगो का कलर, वो चेंज हो जाएगा। नहीं, तो कौन से वाले को हम पिक करें, हाँ भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा वाला पिक करें भाई, फर्स्ट वाला। ठीक है, हम फर्स्ट वाले को क्या करते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, व्यू कोड पे जाऊँगा, क्लिक करूंगा और कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड हम आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको हटा दूंगा H1 को, ठीक है, और कंट्रोल वी, और अगर मैं अब अपनी वेबसाइट पे जाऊँ तो ये मेरे वेबसाइट पे। अच्छा, मजे की बात, ये टोटली रिस्पॉन्सिव है, मतलब किसी भी डिवाइसेस पे अगर मैं इसको ओपन करूँ, यार ये इतना जूम क्यों क्यों आ रहा है। खैर, हाँ, इसके पीछे जो है ना टेलवेंट सीएसएस पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है, सो अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि iPhone SE पे देखो तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिव वे में आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बटन को हटा देता हूँ, फिलहाल मुझे बटन की जरूरत नहीं है, और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ पहले कहना चाह रहा था, नहीं हो रहा था। अच्छा, अभी मुझे क्या हटाना है, बटन हटाना है, और मैं क्या करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ अभी। अच्छा भाई, ये मैं हटा दूंगा, ठीक है, टेल ब्लॉक्स, और आई थिंक इसकी वो भी हट गई है। ठीक है, टेल ब्लॉक्स आ गया, और मैं ये क्या करता हूँ, बटन को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल लगता है। मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ सैलानी मास IT, ऐसे IT करता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सही है, SMIT, AI क्लास देता हूँ। ठीक है, अब मैं वही नॉर्मली चीज क्या है भाई, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस,
थिंक एफोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। और मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं चाह रहा इसको डार्क मोड में यूज़ करना, तो डार्क मोड में किस तरीके से यूज़ करूँगा, इस तरह से। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और शिफ्ट बराबर मुझे करना पड़ेगा, इस फोर्थ लिंक को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और देते हैं यहाँ पर सेम आईटी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आ गई हमारी, हम बटन को रहने देते हैं, बटन में क्या करते हैं स्टाफ लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया इस तरह से। अच्छा एक और एक चीज, अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मली क्या होते हैं स्लाइडर होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं देख लेते हैं यहाँ पे है या नहीं है। अच्छा भाई, ब्लॉग कॉन्टेक्ट कंटेंट और CTA लोकेशन वगैरह के लिए, साइन अप के लिए। ठीक है, ई कॉमर्स है और क्या क्या है, ये चीज देखनी। ये डार्क मोड में क्यों नहीं आया अभी तक, सॉरी नहीं, मैं यार छपी कॉपी, मैं मतलब यहीं से कॉपी करके डायरेक्ट लगाया तो मेरे पास, या फिर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे तो नहीं वो डे लाइट का इशू। एनीवे क्योंकि अब लाइट मोड पे बनाया था मेरे से थोड़ी। इस पे इस वाली वेबसाइट पे इस कोड में नहीं है भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी हम सिलेक्ट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि कोड चेंज भी नहीं हो रहा है इन इसका, खैर कोई मसला नहीं है, डे पे हम कर देते हैं। अच्छा इसके बाद क्या है, हम उठा लेते हैं कुछ अच्छा टेस्टिमोनियल्स वगैरह, तो ई कॉमर्स की बना लेते हैं, लेकिन हमें बनाना है पोर्टफोलियो टाइप का, तो मैं क्या करता हूँ इसको उठा लेता हूँ, एक इमेज आ गई और यहाँ पे आपके स्किल सेट जो जो आपने किया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेकंड जो चीज़ है सेक्शन उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फुटर तो आएगा लेकिन कुछ पास्ट प्रोजेक्ट के आपने वो लगा दिए कि भाई मैंने ये पास्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं, इमेजेस लगा दो आप या फिर कुछ भी, ये आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, देख लेते हैं इससे अच्छा कुछ है, आई थिंक यही सही है, क्या कहते हो, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास टाइम ज्यादा होगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो, तो जो बेहतर लगे आप लोग इसको देख लेना। अच्छा इसके बाद क्या करते हैं, ये CTA लगा देते हैं कि आपकी कोई मतलब CTA की भी ऑलमोस्ट जरूरत है नहीं ऑल दो, तो इसको भी छोड़ देते हैं, फूटर डेफिनेटली आएगा। अच्छा ये है ना इमेज गैलरी, हम इस तरह से लगा सकते हैं कि जितने भी पोर्टफोलियो के इमेजेस हैं आप वो लगा लो, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, लास्ट हम लोगों ने लगाया इसको, रिमूव कर देता हूँ और इसको लगा देता हूँ। एंड आफ्टर दैट हीरो सेक्शन है, टेस्टिमोनियल्स है, टेस्टिमोनियल्स भी हैं यहाँ पे, फीचर CTA content contact API का contact लगा देते हैं, फिर हम ढूंढ लेते हैं कि वो क्या है।
अच्छा लग रहा है। व्यू कोड एंड देन कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और तो मैं क्या करता हूँ पेस्ट फीचर हेडर हीरो प्राइसिंग स्टेटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है हमें, टीम की भी जरूरत नहीं है, आगे ना टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल्स में क्या है, मैं ये ऐड कर देता हूँ या फिर इमेज विथ ये, आई थिंक ये वाला अच्छा रहेगा। इस पर आप स्लाइडर्स वगैरह भी बना सकते हो, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का है। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, व्यू कोड पे जाके इसको भी हम क्या करते हैं कॉपी, और फिर हम बस अपना हेडर लगा के देखते हैं कि वेबसाइट किस तरह से शो हो रही है। और फुटर ठीक है, ये अपना यूज कर लेते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड एंड दैट्स इट, एंड लेट्स सी के वेबसाइट किस तरह से, ये क्या चीज है। अच्छा, कुछ ये ब्लैक डार्क मोड पे नहीं आ रहा है, बाकी सारे डार्क मोड पे आ रहे हैं। अगेन हम क्या करते हैं हेडर्स को, हेडर जो है ना उसको कॉपी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या मसला है, कोई दूसरा हेडर कॉपी करके देखते हैं। ठीक है, मे बी पॉसिबल उसमें कोई इशू। ठीक है, ये हमारी मतलब एक वेबसाइट डार्क मोड में बन गई, और इस तरह की वेबसाइट अभी इसमें इमेजेस नहीं लगे हैं, जब इमेजेस लगेंगे ना एक राइट नाउ जिस तरीके से एक थीम बनी हुई ना वेबसाइट की, अगर आप देखोगे एआई की वेबसाइट नॉर्मली जैसे होती है, तो इसी तरीके से डार्क ब्लू थीम में और उस पर ब्लैक टेक्स्ट। सर चाय बिस्किट आए बुलाए यार, चाय वही मंगवाते हैं, नहीं बोर हो रहे हो सर आप घर चले जाएं सर, फिर नहीं देखें शायद जरूरी है, नींद आ रही है तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यार क्लास में बैठ के सोना दे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, ना आप क्लास ले पाते हो ना नींद ले पाते हो, फिर दोनों अधूरी रह जाती है, तो बेहतर ये कि बंदा एक तरफ हो जाए। ठीक है, जाके रहना भाई यहाँ पे। अच्छा भाई, ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट हमारे पास आ गई, हम क्या करते हैं इमेजेस लगाते हैं और इसको क्या करते हैं प्रॉपरली कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी चेक कर लेते हैं, आइदर ये कितना रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, किसी ने इसे पहले इसको यूज़ किया है, इज देयर एनीवन, आपने यूज़ किया है, एक स्टूडेंट ने हमारे ये ऑलरेडी यूज़ किया, आपने भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं हम इस क्लास में यूज़ किया हुआ ऑलरेडी, सो कोई कर रहे में सबसे बेहतरीन है ये क्या, विद इन 10 to 15 minutes एक रिस्पॉन्सिव एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। तो ये एक असाइनमेंट हो गया, मैंने खुद भी बना लिया और आपने खुद भी जाना है घर पे, इसको प्रॉपर वे में करना है, एक अच्छा सा बनाना है, ऐसा नहीं कि बस बना लिया और यही चीज़ उठा के लगा दी, और ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा आपने एक्सप्लोर करना है कि बाकी जो एंटिटीज जैसे टेस्टिमोनियल्स के अलावा CTA है और इस तरह की जो भी चीज़ें उसको भी यूज़ करो। जैसे मैंने बड़ा जबरदस्त देखा स्टेप्स का एक ऑप्शन था यहाँ पे, तो इस तरीके से बता सकते हो कि भाई फर्स्ट स्टेप में मैंने HTML देन JavaScript देन React देन Node.js और MongoDB, इस तरीके से मतलब आपने पूरी अपनी जर्नी डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक अच्छा मतलब है कि पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? जी हाँ भाई, अच्छा ये बड़ी अच्छा, मैं नेक्स्ट बात यही मुझे करनी थी, ये आपको किस तरह से शो करोगे, आप करोगे 4 लोगों को मेंशन अपने लिंक्डइन और फेसबुक प्लेटफॉर्म में, दोनों में, लिंक्डइन और फेसबुक दोनों में आप शो करोगे, देन आपका असाइनमेंट ये काउंट होगा। ठीक है, लिस्ट आपकी ऑलरेडी मौजूद है तमाम स्टूडेंट्स की, तो जो भी मेंशन होगा तो मैं एक्टिवली मतलब मैं अगर एक्टिव नहीं हूँ तो जिशान भाई एक्टिव होंगे, जिशान भाई एक्टिव नहीं होंगे सलानी की टीम एक्टिव होगी, वो नहीं एक्टिव होगी तो वाजिद भाई हैं वो एक्टिव होंगे, तो वहीं से आपका असाइनमेंट काउंट हो जाएगा कि हाँ भाई फलाना स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट बनाया। बाकी इसको आप होस्ट करके कर लो या फिर एक वीडियो के फॉर्मेट में कर दो,
तो दोनों आप कर सकते हो। होस्टिंग अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है तो मैं इतना वो नहीं प्रेशराइज करूंगा कि आप एक URL बना के दो। मैं ये करूंगा कि क्लास की भी एक लिंक दे दूंगा, गूगल फॉर्म एक बना दूंगा कि असाइनमेंट नंबर वन, और फिर आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन जो काउंटिंग होगी वो आपको लिंक्डइन या फेसबुक पे आपको लगाना है, चारों को मेंशन करना है, देन आपकी असाइनमेंट को हम काउंट करेंगे। ठीक है, आई थिंक अभी स्ट्रेंथ ज़्यादातर 35-30 इस तरीके की स्ट्रेंथ होगी। तो इतनी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई भाग मतलब किसी की काउंटिंग रह जाए, क्योंकि इतनी मिनिमल स्टूडेंट्स हैं तो मतलब काउंटिंग प्रॉपर वे में रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट्स करने हैं। और कोई सवाल? जी असाइनमेंट क्लास नेक्स्ट क्लास में आपको करने के लाना है। एक दिन है आपके पास, पूरा एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन है आपके पास। यहाँ से जाके आपके आप बना लो, 1 घंटे में बना लो। सही है, वीडियो बनाने में आपको 5 मिनट लगेगा, 20 मिनट में आपका ये प्रोजेक्ट तैयार है। ठीक है, फेसबुक वगैरह में तो ऐसी हम लोग यूज़ करते हैं यार, 1-1.5 घंटा कब कैसे गुजर जाता है पता चलता है, ऊपर रील्स स्क्रॉल करते करते नहीं पता चलता। तो भाई फेसबुक पे आप अपलोड करो, क्योंकि यार इस दौर में ना मैं फर्स्ट मतलब हम जब ओरिएंटेशन में तभी मैं बात कर रहा था कि भाई मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस दौर में। जिस तरीके से आप देखो ना, पत्थर उठाओ डेवलपर निकल रहा है, तो बड़ा वो है मतलब जिससे भी सुनो मैट्रिक वो बोले यार मैं वेब डिवेलपर हूँ, आता कुछ नहीं है उसको, लेकिन वो क्या है बस वेब डिवेलपर। अब सबसे बड़ा इशू यही हो गया ना सॉफ्टवेयर कंपनीज को कि भाई हर कोई वेब डिवेलपर है, छाटते हैं कैसे इसको। तो रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है ना, तभी आप देखो कि फ्रेशर्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हार्श होता है। आपको वो क्रॉस ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि यार आपको पता ही नहीं कि यार ये माहिरा DB क्या चीज़ है, वैसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो यही वजह है कि भाई जब ऑडियंस ज़्यादा होगी तो एक तरीके से उनके लिए मुश्किल भी और फ़ायदा भी, कि फ़ायदा इस तरीके से उनको क्रीमिस्ट प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा ये चीज़ मुश्किल इस फॉर्मेट में कि एक जॉब आप पोस्ट करते हो 100 बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किलात भी हो गई हैं। तो सही है, दोनों वे में बेहतर है, तो ये चल रहा है। अच्छा भाई असाइनमेंट को बता दिया किस तरीके से करोगे आप लोग। मैं इंशाल्लाह आज 1-2 घंटे में घर जाकर कोशिश करूँगा एक फॉर्म क्रिएट करके आप लोगों को दे दूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली इसको कर लेंगे वो वहाँ पर पोस्ट कर दें, और फिर दोनों ऑप्शन रखूँगा कि आप लिंक अपने उसका लगा दें, क्योंकि हर वक्त तो मैं नहीं देखूंगा कि यार अच्छा भाई मैं वेट करूंगा कि भाई फला बंदा पोस्ट करेगा फिर मैं जाके उसके ऊपर रिएक्ट करूँ। तो एक URL का भी ऑप्शन रखूंगा कि लिंक्डइन की URL, और इस तरह से तो ये ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, आई थिंक इट्स टुडे फॉर फ्रॉम ऑल फ्रॉम माई साइड। जी दोनों चीज़ करेंगे, एक चीज़ ये कि हम अपना खुद का कस्टम बनाएंगे, जिस तरीके से हमने बात किया ना कि 2022 के बाद का डेटा कौन ट्रेंड करेगा, वहाँ पे AI वाली सेक्शन आ गई कि हम AI वाले टॉपिक को कवर करेंगे। उसी पर्टिकुलर मॉडल को नॉट जस्ट इन अ वेबसाइट, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप की बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, कि जब से ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ आ गए ना, जैसे स्नैपचैट में आपने सुना होगा My AI करके है, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो वर्क तो ऑलरेडी कर रही है लेकिन डिप्लॉय अब कर रही है, तो बहुत ज़्यादा तभी तो बनाना सीखा है। नहीं वेबसाइट तो आपके ऊपर है, वेबसाइट तो आपके ऊपर, आप किस पे भी बनाओ। हम मतलब वेब डेवलपमेंट वाली डोमेन में नहीं जा रहे, हम AI चैटबॉट के डोमेन में रहकर, अब जैसे होता ना अब मैं इसको रिमूव कर दूँ और एक सिंपली सा पॉपअप वेबसाइट पे खुले, वो चीज़ अगर क्लाइंट को दिखाओगे और वेबसाइट पे पॉपअप खुलते हुए दिखाओगे, क्लाइंट कौन सा ज़्यादा प्रीफर करेगा? वेबसाइट के साथ बना, जैसे ये एक वेबसाइट है जो मैंने बना दी कि मेंटल हेल्थ के लिए, और वही मेंटल हेल्थ के लिए चैटबॉट मौजूद है, तो क्लाइंट को समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये एक प्रोडक्ट है, क्योंकि वेबसाइट भी उसी की है चैटबॉट भी उसी का है, तो वो कंसिडर करता है कि ये प्रोडक्ट है। तो वजह यही कि फ्रंट एंड और यूसे लाइक HTML CSS के साथ वेब की जो डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें उसको डिस्कस करने की, कि आप एक प्रोडक्ट दिखाओ। हमारा एंड गोल यही कि क्लाइंट को ये चीज़ नहीं कहे कि सर्वर पे 200 का रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब सर्वर उसको क्या है यार कि API चल रही है नहीं, उसको चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि आपको वो आपसे प्रोडक्ट बनवा के उसको डायरेक्ट पैसे कमाने, तो हम वही काम अगर हम खुद करके तो क्लाइंट हमें ज़्यादा पैसे देगा, तो ये चीज़ हमें हम इसके ऊपर फोकस करें। जी इज देयर एनीवन, इसका कोई सवाल हो देन हम क्या करते हैं क्लास को वाइंड अप करते हैं।
इंशाल्लाह फिर परसों आप लोगों से। जी असाइनमेंट के लिए मैं आपसे एक फॉर्म शेयर करूंगा जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, जो आप वो बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे उसकी, उसका आप कोड शेयर करेंगे या एक होस्टेड यूआरएल, दोनों आपकी मर्जी, गिटहब आप शेयर कर दो वो चीज़, लिंक्डइन की यूआरएल जहाँ पे आपने पोस्ट की है, फेसबुक की यूआरएल, ये तीनों चीज़ आपने, मतलब ये पांच छह चीज़ें होगी उस फॉर्म में मौजूद होंगी, देन बस आपको वो फॉर्म फिल करना है, दैट्स इट। ठीक है, ओके, हम क्या करते हैं क्लास को फिर वाइंड अप करते हैं।